पहली बार लाइव आए हैं। पहली बार मुरथल नाका सब तो वड्डा दस्या जांदा है। पंजाब दी जवानी खड़ गई इन्हां दे हिक्कां दे ट्रैक्टर लैके 15 किलोमीटर का जाम खिलाता। आ सब तो वड्डा बैरीकेड मन्या जांदा सी, सब तो वड्डा। इधर वेखो साडी हालत, असी थोड़ा जा योगदान पाया, थोड़ा जा। आ देख लो, आ पुलिस खड़ी है, आ देख लो ताडे सामने, आ देखो, आ करता, आ सिंगा ने करता, आ लागे लागे दिलिये आ गए, आ दिलिये आ गए, तेरी हिक दे चरण गए जत, तेरी हिक दे। भारत प्रकाश की टीम पहुंची है सिंधु बॉर्डर पर। जैसे ही किसान यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हैं और अपनी जिद पर अड़े हैं, और जो काला कानून किसान बता रहे हैं, काले कानून को हटाने के लिए गवर्नमेंट से बार बार मांग कर रहे हैं, और जो ये पीछे भी नहीं हट रहे हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का जो दृश्य है, क्या कुछ यहाँ का दृश्य है। ये पब्लिक जो है लागू किया है गवर्नमेंट ने, इसके बारे में क्या? MSP तो MSP की भी बात नहीं है, MSP तो पहले से लागू होता है। MSP 23 फसलों पर MSP है, लेकिन बात तो सरकारी खरीद की है। सिर्फ दो फसलें हैं, गेहूं और चावल, जिस पे सरकारी खरीद होती है। इन्होंने सरकारी खरीद खत्म कर दी, प्राइवेट खरीद इन्होंने स्टार्ट की है। जो प्राइवेट मंडी है, प्राइवेट मंडी का मतलब है प्राइवेट खरीद। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जो है ना चालाकी है, वो उन्होंने प्राइवेट मंडी पे टैक्स फ्री कर दिया। आप सोचो, जिस मंडी में टैक्स फ्री है लोग उसी में जाएंगे। जहाँ पे 12% टैक्स लगता है सरकारी मंडी में, वहाँ क्यों जाएंगे? सरकारी मंडी को एक दो साल में ख़त्म करके वहाँ किसान जाएगा नहीं, तो फिर प्राइवेट मंडी हो जाएगी। आप देखो, जियो वाले ने पहले फ्री सिम दिया, आज 600 रुपये बढ़ा के कर दिया। ऐसे वो करेंगे, एक दो बार MSP पे खरीद लेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे जब सरकारी खरीद खत्म हो गई। तो आप सरकार से ये चाहते हैं कि सरकारी मंडियों पे ही रहे और प्राइवेट सेक्टरों में, प्राइवेट उन पे ना जाए? प्राइवेट मंडी नहीं होनी चाहिए, समझे ना। जैसे कि इंसान को नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल उठाना पड़ेगा उनका। देखो, दो तरह का शोषण होगा। अब एक बात देखो, सब्जी पे MSP नहीं, सरकारी खरीदनी है। सब्जी जब किसान की होती है 2 रुपये किलो मटर बिकता है, आपके दिल्ली में आके 40 रुपये किलो बिकता है ना। टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है, यहाँ आके 50-50, 60-60 रुपये किलो बिकता है। आप पीछे प्याज का देख लो, प्याज किसान का उठाया 5 रुपये किलो, आपने पीछे खरीदा होगा 60-65 रुपये खरीदा होगा। ये जो इन्होंने ना जरूरी वस्तुओं की जो ख़त्म की है, इन्होंने अपना फूड सिक्योरिटी बिल ख़त्म किया है, ये उसी का नतीजा है। कल को ऐसे ही बीट को भी ख़त्म करेंगे, वो स्टोर कर लेंगे। जो बड़े अबानी अडानी हैं, बहुत बड़े बड़े इन्होंने गोडाउन बनाए हैं, सस्ते रेट पे किसान से खरीद के वहाँ गोडाउन कर लेंगे, बाद में हाई रेट पे बेचेंगे। तो अब ये धरना कब तक रहेगा, कब तक आप यहाँ पे बैठे रहोगे? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी, हम यहीं बैठेंगे। सरकार से आपकी वही मांगे हैं जो ये जो तीन बिल उन्होंने बनाए हैं, तीनों में अमेंडमेंट करें या उनको वापस ले। और आगे की तो रुक करोगे, यहीं पे रहोगे? नहीं, यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे तो देखो, मोदी ने हमारे पंजाब की बाम रोड़ी, वहाँ ट्रेनें बंद की, हमारा खाद, हमारा सब बंद किया, कोला बंद किया, हम इसका खाना दाना बंद कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को ही बोलते हैं, हमारी मांगे मांग लीजिए, जो भी है। तो सरकार नहीं मांगती तो मांगे जो बैठे हैं यहीं पर, धरना प्रदर्शन जारी। हाँ जी, हाँ, धरना प्रदर्शन जल्दी रहूँगा। किसान हित में आप मतलब इसने स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर किसान हित में है ना, ठीक है, हमें आओ समझाओ, हमें समझाओ तो सही क्या है क्या नहीं है। नारा इनका जय जवान और जय किसान का, और काम एक भी नहीं है। क्यों भाई? कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट आपको समझाने में असमर्थ है। बिल्कुल असमर्थ है भाई। अगर ऐसा है तो एक काम करो, मीटिंग करो, आपस में बैठो, आज देख लो कौन सा नेता, कौन सा कोई साथ में है यार। देखो, आप कह रहे हो कि बिल, आप कह रहे हो ना कि आप मेरे से पूछ रहे हो गवर्नमेंट असमर्थ है। आप एक भी बार बता दो कि मोदी ने कोई ट्विटर किया हो या कहीं कोई कॉन्फ्रेंस की हो, कोई पोस्ट की हो। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं हमें समझाएगा, बोलेगा तो असमर्थ ही है भाई। पोस्ट वो तब करेंगे जब पैंच आग लग जाएगी ना, फिर पोस्ट करेगा अरे ये क्या हो गया मेरे देश में। हाँ भाई, बिल्कुल, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल जनता ने उनको चुना है और एक प्रतिनिधि तो दिया है, प्रधान बनाया है, तो उसका फर्ज बनता है ट्वीट करे, किसानों को जो उनकी बात सुने और उनको जो सत्तावना दे, उनको मतलब एक वो तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री होने के नाते ये तो सब कर सकते हैं भाई। जगह जो अमित शाह है,
वो कुर्सी पे बैठ के खुद कह देता है, ये तो एक जुमला है। जब वो पब्लिक को ऐसे कह रहा तो हम जब हमें कोई बात ही नहीं बता रहा, हम भी उसकी कैसे बात मान लेंगे। अच्छा, 3 तारीख का जो अभी वो दिया था सरकार ने, तो उस पर हाँ बातचीत का, उस पर क्या कुछ? भाई देखो, 3 तारीख तक अगर ये खुद कोई फैसला लेती है, हम अपने बर्तन भांडे उठाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, हमें भी 100 काम है। नहीं उठाती, जब इतनी दूर आ गए हैं, 400 किलोमीटर आ गए हैं, तो 5 किलोमीटर दूर से पीछे नहीं मुड़ेंगे। मांग मनवा के रहेंगे, या तो रास्ते बंद होंगे, उन्हें मांग पूरी करनी पड़ेगी, या तो फिर वक्त आपको बता ही देगा। सोनिया अमरीका चल जाते हैं उन्होंने दिल्ली। बिल्कुल, ये थे अपने जो युवा किसान जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और हमें भी बहुत काम धंधे है भाई। ठीक है भाई, हम कोई वेले आदमी नहीं है, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, वोटें नहीं हो रही, 500 रुपए ले लो नारे लगा दो, हम अपनी मांगे पूरे कराने आए हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, सरकार तो मतलब आप जब सरकार आपकी मांग नहीं मानना, तो आपका अगला कदम क्या होगा? भाई देखो, अभी तो बैठे हैं ना भाई, हम यहाँ बैठे हैं। जब क्या कहते हैं, हमारे गुरुओं ने समझाया है कि देखो, जब जो काम प्यार से हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। अब हम बैठे हैं, प्यार से काम हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, उसके बाद हमें मनवाना आता है अपना। और सरकार भाई जगह दे रखी है कि मतलब वहाँ पे बैठ के आप शांति परीक्षा, कौन है सरकार ने सारे किसान बीच में बिठा गए, और ज्यादा से ज्यादा किसान 1000 से 1500 पूरे चारों तरफ से घेर रखा है, चार मीडिया वाले अंदर नहीं जा रहे। कौन सी जगह दे रहे हम? कैद होने थोड़ी आए हैं भाई, वहां तो हमें एक जगह बिठा दिया जाएगा, पूरी फोर्स घेर लेगी, रोड बंद होंगे, लोगों के काम रुकेंगे। हम भी नहीं चाहते किसी को दुखी करना, हम भी दिल्ली के ही बंदे हैं यार, लेकिन जब ये सब होगा ना, तभी गवर्नमेंट को महसूस होगा। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम है लवप्रीत सिंह। अच्छा, एक बात बता भाई, मतलब जो यहाँ आता है, मतलब जो आम मानस जा है, लेडीज जा, कई बार मैं वहाँ आ रहा था रास्ते में, तो सोनीपत साइड था, एक दो प्रेग्नेंट लेडी देखी और जो काफ़ी मतलब परेशान थी, तो इसमें आप कोई सहयोग कर रहा है अपना किसान यूनियन? देखो भाई, आपको ये लग रहा है कि हमने रोड रोक दिए, 100 बंदे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, अगर कोई बंदा आता है, हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, हम खुद उन्हें आगे निकलवाएंगे। हम ये नहीं कहते नहीं जाना भाई, किसी को एक्सीडेंट है, प्रेग्नेंट है, हम साथ है भाई, हमें भी पता है, हम भी फैमिली वाले बंदे, हमारे घर में भी सिचुएशन आ सकती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।